सेंट्रल के रूबरू एफआईए ने आज 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज सुलमान शहबाज और ताहिर नकवी की हद तक जो है चालान जमा करा दिया गया है, और चालान में सुलमान शहबाज और ताहिर नकवी को बेगुनाह करार दिया गया है, जिसके और इसमें कहा गया है कि सुलमान शहबाज के खिलाफ कोई शवाहद नहीं मिले। बैंक अकाउंट जो है वो मलक मकसूद नामी शख्स जो है वो ऑपरेट करता था। सुलमान शहबाज और ताहिर नकवी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के शवाहद नहीं मिले, और उन्होंने कहा कि जितने भी अकाउंट्स जो जिनका इस्तेमाल किया जाता था वो कारोबारी जराए के लिए रखे गए थे, उसमें किसी किस्म की मनी लॉन्ड्रिंग या ट्रांजैक्शन जो है वो सामने नहीं आई। मुतद्दद ट्रांजैक्शन है, कारोबार जो है वो लेन देन के लिए जो किसी जुर्म के जिम्मे में नहीं आती। जी, सुलेमान शहबाज और ताहिर नकवी को मनी लॉन्ड्रिंग केस में बेगुनाह करा दिया गया। तफसीलात देते तारिक खान, आपका बहुत शुक्रिया।